काफ़ी दोस्त मुझे कमेंट करते हैं इंडिया से भारत से जाला के कमेंट करते हैं कि आप लोग हिंदू हो तो टोपी क्यों पहनते हो। टोपी ये हमारा पाकिस्तान का टोपी का क्या रेट है? 50 रुपये। प्रेम कुमार नाम है। ये मिठाई कितने हिसाब है? ये किशमिश। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है एक और हमारे नए व्लॉग में। आप लोग कैसे, उम्मीद है कि अच्छे होंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि हम हिंगलाज माता के मंदिर में मौजूद हैं और यहाँ पे कुछ यात्री भी है, उनसे जानेंगे और यहाँ का जो स्टॉल वगैरह है वो भी दिखाएंगे। नमस्ते। जय माता दी। जय माता। क्या नाम है? देवराज नाम है। कहाँ से आए? मीरपुर खास से आए। देवराज आपका? मोहन। आप भी मीरपुर खास से आए? यस। तो कैसा लगा मेला यहाँ? बहुत अच्छा। कितने दिन हो गए अभी यहाँ तक? आज रात तक हो गई। चार दिन हो जाएंगे। चार दिन की यात्रा थी इनकी। तो कब जाना है वापसी? कल जाना है वापसी इनका। आप ये हमारे साथ? ये आपका नाम? रमेश कुमार। जय माता दी। चलो आप मीरपुर खास से आप भी कल है? चलो ये भी मीरपुर खास से और बाकी लोग जानते हैं। ओके, तो बाकी भी लोगों से भी जानते हैं और यहाँ का स्टॉल वगैरह लगे हुए हैं और यहाँ की दुकान है वो भी दिखाते हैं, कितना रश है वो भी दिखा। अभी तो रश कम हो गया है क्योंकि अभी लोग निकल रहे हैं, अभी शाम का टाइम है। तो दिन भर हम गए हुए थे बाहर, मंदिर में हवन हुआ था और इस वजह से अभी मैंने व्लॉग शूट किया है। मार्केट का मैं व्लॉग बना रहा हूँ। ये जो है ये यहाँ पे बने हुए हैं जो यात्री आते हैं उनके रुकने के लिए जो जगहें बनी हुई है, ये सारी यात्री यहाँ पे स्टे करते हैं जितने भी आते हैं यहाँ पे। ऊपर नीचे हाल सारे फुल हो जाते हैं, उसके बाद भी बाहर पहाड़ों पे लोग रहते हैं, इतना यहाँ पे रश होता है मंदिर में। तो इस वजह से अभी ये भंडारे की जगह है, यहाँ पे भंडारा 24 घंटे भंडारा चलता रहता है। ये लिखा हुआ है ना, ये है मेल के लिए भंडारा। और यहाँ पे पानी ये चलता है, पानी भी मीठा पानी। ये सारी जगहें जो है ना ये यात्रियों के लिए बनाई गई है जहाँ पे रहते हैं। बड़ी किल्लत रहती है यहाँ पे पानी ना, और ये नहीं ना बोरिंग का ना लाइन का है, तो पानी बाहर से मंगवाना पड़ता है। तो काफ़ी रश होती है पानी भी, खाली पानी की यहाँ पे, तो पानी पिला रहे खाली। जय माता दी। तो ये खाली पानी पिला रहे हैं। अब देखोगे ना पानी में इतना रश होता है हर बार। भाई तो मिठाई की दुकान के बाहर हम मौजूद है, इससे मिठाई की मालूम करते कितने रेट है। तो आप जुड़े रहे। और क्या नाम है? प्रेम कुमार नाम है। ये मिठाई कितने हिसाब है? ये 500 रुपये किलो बेच रहे हैं माजून। और ये मिठाई? ये 400 रुपये किलो है। और ये किशमिश? 250 रुपये पाव है। 300 रुपये पाव है और 250 रुपये पाव है एक। ये चले। और आगे भी बहुत सारी दुकानें लगी हुई है, फिर हम उनसे मिठाई भी कुछ लेते हैं। तो ये भी मैंने मिठाई ले ली है यहाँ से, अभी घर ले जाने के लिए। आधा किलो मिठाई ली है और एक पाव किशमिश ली है, और 450 की मिली मुझे। तो दुकानें लगी हुई है, काफ़ी लोग थे लेकिन ये जा रहे हैं अब यहाँ से यात्रा करके। ये गाड़ियाँ खड़ी है अभी भी कुछ, और काफ़ी चली गई हैं। हमारी गाड़ी सबसे आगे खड़ी है। बहुत 50 का एक बंडल है, 100 का दो ऐसे। ये चूड़ी का क्या रेट है? ये 50 रुपये का एक बंडल है। अच्छा, सारे आलरे 50 की है ना? 50 रुपये ना एक बंडल। 50 रुपये का है। अच्छा, मैंने कितनी खरीदी है? मैंने दो बंडल खरीदी है। किसके लिए खरीदी है आपने? किसके लिए आपने? घर के सिस्टर के लिए खरीदी है। अच्छा, और दो और ये क्या लिया है? सामान लिए। अच्छा, कितनी शॉपिंग हो गया आपकी? ये कितने का सामान हो गया? ये सामान तकरीबन 5,000 का हो गया। अच्छा, मिठाई वगैरह महंगाई है? ये महंगाई है, बहुत महंगाई है। अच्छा, क्या खरीद कर रहे हो? क्या रेट है चूड़ी का? क्या रेट है? अच्छा, जगमाल। ये जगमाल भाई है जो अभी व्लॉग शूट कर रहे थे, तो इनको मैं ना व्लॉग करने की प्रैक्टिस करवा रहा था, तो ये कर रहे थे। तो घूम के आ गए वहाँ से 84 धाम, सारे धाम घूम के आ गए, मंदिर से माता के दर्शन करके भी आ गए। ओके, ये माता रानी इंगलाज की मार्केट, जो मार्केट में लगी हुई है ना, मेला लगा हुआ है, उसकी दुकानों का व्यू है। ये बसें भी इंगलाज माता के लिए आई हुई है वहाँ सिंध से किराए के लिए, सारी जितनी खड़ी इस रोड पे। सिर्फ इंगलाज माता की तरफ ये रोड जाता है, बाकी ख़त्म हो जाता है आगे।
ये देखो ये भी आ रहे हैं हमारे, ये हमारे साथी है। जय माता दी, ये माता दी होके आगे मंदिर से आपने भी दर्शन कर लिए माता के, व्रत खोल लिया, व्रत भी खोल लिया। ये एक भाई, आपका नाम क्या? सूरज कुमार। सूरज कुमार, और ये आपका नाम? मुकेश कुमार। ये थोड़ा आगे, ये मुकेश और सूरज ने ना 9 दिन तक व्रत रखा है, यहाँ पे आके खोला है माता इंगलाज इंगलाज पर, ऐसे ही ना? जी हाँ, 9 दिन पूरे 9 दिन इन्होंने नवरता रखे हैं इन्होंने, तो बहुत बड़ी बात है। जी फ्रेंड्स, तो इंगलाज यात्रा में आपको बताया कि हम जिस बस में आए ना, उसमें जितने भी हमारे आए हैं भाई लोग जो यात्री है, उनसे भी मैं आप लोगों को मिलवाऊँगा और उनके नाम और सब बताएंगे। तो मिलते हैं उन सबसे जो हमारे, जो हमारी बस में, जो हम, मैं जिस गाँव से आया हूँ मेरे को खास से, वहाँ से जो लोग आए हैं उनसे मैं अभी मिलवाता हूँ, क्योंकि अभी सारे बसें जा चुकी है और मेला भी ख़त्म होने को आया है। तो अभी मैं अपने जहाँ पर हम रह रहे थे वहीं पर आया हूँ, तो सभी लोग इकट्ठे हो गए हैं, तो उनसे भी मैं मिलवाता हूँ। तो चलते हैं, मिलते हैं उनसे। यहाँ बनाया था भंडारा हम लोगों के लिए, जो यात्री यहाँ पे बस में जो इधर रुके थे उनके लिए। नमस्ते भैया जी। श्री ओम नमस्ते। जय माता दी। जय माता दी। हाँ, तो क्या नाम है आपका? सही भगत सुमरदास सी पोटू फार्म, भगत जिला मीरपुर खास, जिला मीरपुर खास सुमरदास। आपका? भगत उत्तमो। भगत उत्तमो। तो ये अभी क्या बनाया था भंडारे में? दाल बनाई थी और चावल पकाए थे, दाल और चावल, रोटी भी बनाई थी, बिल्कुल अच्छा और रोटी भी बनाई थी। सही, यात्रियों के लिए बिल्कुल अच्छा खाना बनाया। हाँ बिल्कुल, बहुत पेट भर के खाया उन्होंने। और मंदिर में सुकून आ गया, शांति में ऐसा सुकून आ गया जो हमारे पाकिस्तान के अंदर जो है सबसे बड़ा मंदिर, सबसे बड़ा मंदिर माता इंगलाज का है। माता इंगलाज जो रहने वाले है वो भी बिल्कुल अच्छे लोग है हमारा बिल्कुल। और काफी दोस्त ना कमेंट्स करते हैं कि आप ये टोपी और ये क्यों पहनते हैं, तो यहाँ पे रिवाज है, रिवाज है सिंध का, तो ये ऐसी टोपी या ये पहनता जी। जय माता जी। जी आप नाम बताएं आप। मेरा नाम लालचंद। लालचंद। हाँ, डिस्ट्रिक्ट का उमरकोट सूबा सिंध। उमरकोट से आप? सूबा सिंध से। जी जी। चाहिए उमरकोट सूबा सिंध से। और माता का इंगलाज का मेला वगैरह घूम दिया सारा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप? जय माता जी। जय माता जी। नाम? राजा। राजा कहाँ से आए हो? शहर खिपरो से। शहर खिपरो से, सिंध का एक शहर है खिपरो। आप? नमस्ते। जय श्री राम। नमस्ते। अच्छा, मेरा नाम साजन। साजन, मैं उमरकोट के रहने वाला हूँ। उमरकोट का है जी। ये यहाँ आए थे इंगलाज माता के बंदर पे जी। ये बहुत पूरी एशिया का बड़े बड़ा बंदर है, यहाँ बहुत सारे हिंदू मेला लगता है जब आते हैं, यहाँ पे लाखों की तादाद में आते हैं, और दूसरे कंट्रीज से भी आते हैं, लेकिन पाकिस्तान से तो सारे तकरीबन इस महीने में हर बार एक महीने में चौथी अप्रैल में बहुत से पब्लिक आती है, यह बहुत बड़ा एंजॉय। और हमारे जो धर्म हिंदू धर्म सनातन धर्म में ये बहुत बड़ा हमारा तीर्थ है, सनातन धर्म का सबसे बड़ा तीर्थ है पाकिस्तान का, बड़े बड़ा सबसे बड़ा तीर्थ धाम है। तो और भाई भी हमारे साथ पहुंचे थे भाई। जय माता दी। जय माता दी। नमस्ते। आप? नमस्ते, मैं कचलो स्टेशन से आया हूँ। कौन से? कचलो स्टेशन। कचलो स्टेशन है कोई, वहाँ से आए हैं। नाम आपका? सतार। सतार, सतार नाम है। तो और इंग्लैंड का मेला वगैरह घूम लिया? घूम लिया, बहुत आनंद आया, बहुत बहुत आनंद आया। इंग्लैंड का मेला घूमा और इधर मकली में घूम के आए। हाँ, अब जाएंगे सेवन से घूम रहे, अभी आज की रात में इधर खाना वाना पकाएंगे, इधर रहेंगे, सुबह आज़ाद करके फिर चल जाएंगे। सुबह आज़ाद, सुबह निकलेंगे, आज इधर ही रहेंगे। हाँ, आज के इधर। अच्छा, तो और कुछ हमारे ऑडियंस को आप बताना चाहेंगे? और क्या बताओ, बहुत आनंद आया। बाकी अभी ये देखते हैं, और गरीब आदमी हमारे हिंदू जो इतने आते हैं, 6-7 लाख आदमी आते हैं इधर, 6-7 लाख आदमी आते हैं, आते हैं इधर। बहुत बड़ा नंबर, बहुत आनंद आता घूमने में, ऐसे हमारा मन करता हम इधर ही बैठे रहे, इधर ही बैठे रहे। हाँ, बहुत सुकून मिलता है। हाँ, ये काफ़ी दोस्त मुझे कमेंट करते हैं इंडिया से, भारत से जा के कमेंट करते हैं कि आप लोग हिंदू हो तो टोपी क्यों पहनते हो? टोपी ये हमारा पाकिस्तान का रवाज है, रवाज सिंध का रवाज है, सिंध का, खास करके सिंध का, सिंध का रवाज है, तहजीब है, सिंध की तहजीब है। टोपी पहनते पहनते। हाँ, टोपी पहनते पहनते। जैसे बिहार में का रवाज है तो टॉवल रखते हैं। हाँ, टॉवल रखते हैं। तो ये सिंध का रवाज है टोपी पहनना, सिंध का रवाज है टोपी पहनना। ये जो है हमारी सिंध का सखावत है और सिंध की तेजियत है, टोपी अजरक पटका और टॉवल, ये हमारी सिंध की तेजियत है। ठीक ठीक। आप कहाँ से रहने वाले?